एसी लगा, एसी लगा है, एलसीडी लगी है, पूरा माहौल आ देखण नु दिल खुश हुंदा है। बलाल जो यार भाई ने वाशरूम जे वाट मन ही माई होप आल इज वेल टू डे न्यू अदर ब्लॉग स्टार्ट। उम्मीद है सब लोग खैरियत होंगे जी। अल्लाह पाक आप सबको अपने कोरों में खुश आबाद रखे जी। और आज का ब्लॉग करते हैं जी कंटिन्यू। आज का ब्लॉग कुछ इस तरह से है कि जिस रूम में LED वगैरह लगी हुई है और AC लगा था, उसी रूम का कारपेट जो है वो आज आ गया है और कुछ बिछा भी दिया है और कुछ बिछा रहे हैं। और ये अंकल जी हैं, चाय पी रहे हैं, इनके लिए पानी और चाय लेके आए नीचे से। तो आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। अभी ना नीचे मैट्रेस नहीं बिछाया, ओनली कारपेट रखा है और इसकी पैमाइश जो है वो ली जा रही है, काट के ना इसकी पैमाइश जो मेजरमेंट है वो कर रहे हैं। मैं तो वीडियो शूट कर रहा था और मुझे और भाई को दोनों को उसने कहा कि आप वॉशरूम के अंदर हो जाएं ज़रा, मैं कारपेट को सेट कर लूं। काम चल रहा है, काम हो रहा है। पहले मिट्टी काफ़ी थी तो हमने सफाई की, खुद की वो सफाई सारी, पानी से धो दिया सारा अच्छे से। तो भी लग रहा है ऊपर कारपेट अच्छे से। पीछे क्या देख रहे हैं आप, बाद में दिखाऊंगा ये क्या चीज़ है, ऊपर ही जाके बताऊंगा ये क्या चीज़ है और बहुत ही अच्छी लगने वाली है। कारपेट के ऊपर ही लगेगी तो काफ़ी अच्छी लगेगी। ऊपर बात तो कर नहीं सकता सबके सामने, नया नया ब्लॉगर हो ना, पता नहीं चलता, शर्म आती है मुझे बात करते हुए। तो बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन नए नए ब्लॉग का जो है अब तक पहुंचता रहे। और आज गर्मी ने जो है वो हद कर दी है, रोज़ा काफ़ी लग चुका है अब तो। अभी ऊपर वाला AC वाला कमरा इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा तो माह रमज़ान के रोज़े जो बाकी रहते हैं। आज 12वीं सहरी थी, सुबह आज 12वां रोज़ा है, ठीक है। तो ऊपर फिर बाकी के रोज़े इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, आप फुली इंजॉय कर रहे होगे। तो मैं ऊपर बताऊंगा आपको, फुल कमरा रेडी हो जाए तो फिर ही आपको बताऊंगा। तो आज ना, और जहां मैं काम करता हूं ना, ये उनका ऑफिस है, तो वो ही कर रहे हैं सब, वो ख़ुद भी इस्तेमाल करेंगे और हम भी करेंगे उनके साथ ही। मतलब जहां मैं काम करता हूं ना, दोस्तों वाला बिहेवियर है उनका, कोई मतलब ऐसे एज़ अ फ्रेंड के तौर पर हम इधर काम कर रहे हैं, हमारा बॉस वोस वाला कोई चक्कर नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके डेली। तो जी नमाज़ पढ़ के आऊँ, असर की नमाज़ का टाइम था तो मैं नमाज़ पढ़ के आऊँ और नहा के भी हटाऊँ। गर्मी जो थी, रोज़ा काफ़ी लग रहा था तो मैंने नमाज़ पढ़ी और नहाया पहले और बाद में नमाज़ पढ़ी। और अभी ऊपर जाते हैं, वो जो आदमी था वो काम करके चला गया। और जो ना इसके ऊपर थोड़ा बहुत लेटना है, ऐसे ना मतलब लेटना है क्योंकि इसके ऊपर पहले तो सफाई करनी है, वो करते हैं, कचरा मचरा है जो वो उठाते हैं। तो बाकी ना लेटना इसलिए है क्योंकि ये जो है अच्छे से लग जाए नीचे, और स्मेल है काफ़ी आ रही है जो इसके अंदर। क्या होता है वो भाई, क्या लगाया इसने, स्लोशन, गिलू, गिलू की बू आ रही है बहुत ज़्यादा, गिलू की बू आ रही है। अच्छा अच्छा, स्लोशन और गिलू दोनों मिक्स लगाया थी। तो अभी करते हैं जी सफाई, आप देखिएगा। चलो जी रेडी, और ये देखें और कितना ज़बरदस्त है, और एलसीडी हमारी। तो अभी ना लाइट चली गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और अब हम कचरा उठाते हैं, देखना। एसी लगा है, एलसीडी लगी है, पूरा माहौल आप देखो, दिल खुश होता है।
और मैं लेट रहा हूँ, गर्मी जो है आज बहुत ज़्यादा है, लाइट आ चुकी है और सूरज भी जो है वो सेट होने वाला है, क्योंकि असर की जान के बाद टाइम जो है वो कम ही होता है इफ्तारी में। तो जी अभी घर को चलना है, ये काम यहीं पे रोकते हैं और व्लॉग जो है कल एंड कर देंगे इंशाल्लाह इसी कमरे में ही। बाकी का काम जो रहता है वो कल एंड करेंगे जी इंशाल्लाह। अभी इस व्लॉग को करते हैं जी स्टॉप, इंशाल्लाह कल मिलेंगे सारी सेटिंग करके। अभी कुछ मैंने लगा दिया, कुछ नज़र आ रहा होगा, मैं नीचे खोल रहा था ना कुछ, मेरे पीछे जो है वो देख लें, वो अभी भी मेरे पीछे देख ले सकते हैं क्या चीज़ है। 3 इंच की जो है वो गद्दी है और ऊपर उसके तकिए लगा दिए हैं, 10 अदद तकिए हैं, और ये इस साइड पर भी लगेंगी मुकम्मल, उस साइड पर भी लगेंगी, ठीक है इस साइड पर भी लगेंगी, और काफ़ी अच्छी लगने वाली हैं जी, काफ़ी अच्छी। तो चलो जी व्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है, तो बाकी जो है एंड करेंगे कल इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं घर इंशाल्लाह, करनी है अफ्तारी भी, अफ्तारी का टाइम हो रहा है, तो चलो जी घर चलते हैं। तो जी आज ना दूसरा दिन है, तो मैं अभी आ गया हूँ, तो काम करते हैं जो बाकी का रह गया था। और देख सकते हैं जी पीछे सारा सामान मैंने ला कर रख दिया पीछे, और अभी सबको सेट करते हैं, और आज कर्टन्स भी लगाने हैं वो सामने उसमें और इस वाली विंडो में, ठीक है। तो ये कर्टन से लगाने हैं, बाज़ार से लेके आने हैं, बनने दिए थे तो वो बन गए होंगे, तो हम आज ले आएंगे जी कर्टन्स हमारे। तो कारपेट भी लग गया और सब कुछ तैयार हो गया, रमज़ान में हम यहाँ ही लेटा करेंगे इंशाल्लाह। तो चले जी ये काम करते हैं और आप वॉच करें वीडियो को। माशाल्लाह से जो कमरा है अच्छे से बिल्कुल तैयार हो चुका है, देख सकते हैं जी आप। और इस कमरे का फाइनल लुक ये है, पर्दे, कर्टन्स, गद्दियाँ और तकिए सब कुछ प्रॉपर तरीके से लग चुके हैं। यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए, शेफ़ बिलाल के साथ
अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।